और यीशु मसीह फिर से पूछते हैं कि तुम किसको देख रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? Again say Jesus of Nazareth. और वे फिर से कहते हैं कि यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं. And Judas had given a sign to these people, the one whom I go and kiss, that is the man. और यहूदा ने इस बात का चिन्ह दिया हुआ था कि जिसे जाकर मैं चुंबन करूं वह व्यक्ति है. So he goes, approaches Lord Shri Jesus Christ and says, Guruji. और यीशु मसीह के पास जाकर यहूदा कहता है गुरुजी. And he hugs him. और वह उन्हें गले लगता है. And he kisses Lord Shri Jesus. और यीशु मसीह का चुंबन करता है. And Lord Shri Jesus Christ tells him, Have you come to betray me with a kiss? और यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या चुंबन के द्वारा तू मुझे पकड़वा देने के लिए आया है? And he tells to the people, the crowd that was there. और उस भीड़ से कहते हैं जो वहाँ पर थी. You want me? Let these people go. कि तुम मुझे चाहते हो, ये लोगों को जाने दो. He was telling that let his disciples, let these people go. और वे अपने शिष्यों के बारे में कह रहे थे कि इन लोगों को जाने दो. Well, the disciples did not want to go so easily. और शिष्य इतनी आसानी से जाना नहीं चाहते थे. And they saw that they are trying to arrest Lord Jesus Christ. और वे इस बात को देख रहे थे कि ये लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए हैं. So Peter quickly takes his sword out. और पत्रस अपने तलवार को बाहर निकालता है. And somebody asked Lord Shri Jesus Christ, "Shall we strike now?" और किसी ने पूछा यीशु मसीह से कि क्या हम अभी हमला बोलें? Before Lord Shri Jesus Christ could say something, Peter was already starting to fly his sword. और यीशु मसीह कुछ कहते उससे पहले पत्रस अपनी तलवार को चलाने लगा. All his life he was fishing. और पूरी जिंदगी भर वह मछलियां पकड़ रहा था. He didn't carry a good sword for a long time. और वह उसने अपनी तलवार को शायद ज्यादा दिन नहीं हुए थे. He was aiming at the neck of that guy who was closest. और जो सबसे नजदीक व्यक्ति था उसके गर्दन की ओर शायद वह इस तलवार चला रहा था. When he hit that man tilted a little bit and his ear got cut off. और उस व्यक्ति ने शायद अपनी गर्दन को झुका लिया होगा और उसका कान उड़ गया. Lord Shri Jesus Christ stopped Peter. और यीशु मसीह ने पत्रस को रोका. And he said, "Put your sword back into the mian." और यीशु मसीह ने कहा कि अपने म्यान में तलवार वापस रख लें. Those who take up the sword are killed by the sword. जो तलवार उठाते हैं वो तलवार के द्वारा मारे जाते हैं. Don't you think that I can call on my father and he can send 12 legions of angels to protect me? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं अपने पिता से कह सकता हूँ, 12 सेनाओं को पिता भेज सकता है? And Lord Shri Jesus Christ stoops down and takes that ear fallen on the ground and puts it back on that man's. और यीशु मसीह झुककर उस कटे हुए कान को उठाते हैं और उस व्यक्ति के कान को वापस लगा देते हैं. That servant's name was Marcus. और उस सेवक का नाम मलकुस था. And there would be lot of blood probably flowing on his shirt and stuff. और हो सकता है कि उसके शर्ट में बहुत खून बह रहा होगा. He would be feeling his ear again and again. It looks like everything is wrong. और वह शायद अपने कान को छू कर देख रहा होगा कि सब कुछ सही दिख रहा है. बहुत सा खून तो दिखाई दे रहा है किंतु अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है. And they come and grab Lord Jesus Christ and arrest him. और वे आकर यीशु मसीह को पकड़ लेते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं. And this arrest is not that kind of an American arrest that we have here. और यीशु मसीह को पकड़ने का मतलब ये नहीं है जो आप हम अमेरिका में देखते हैं. Here the police are very polite. यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो बड़े नम्र हैं. They will say, "Sir, you are under arrest." और वे सर कह के बोलते हैं और आपको अरेस्ट कर लिया गया बोलते हैं. And if the person is not resisting, they will just take you to the car and put you there. और अगर जो व्यक्ति जिस गिरफ्तार किया जा रहा है अगर वह गड़बड़ी नहीं करे तो उसे आहिस्ते से कार में ले जा लेते हैं. But this was not the kind of arrest that Lord Shri Jesus Christ was facing. और यीशु मसीह जिस गिरफ्तारी को यहाँ पर देख रहे हैं वह उस तरह की गिरफ्तारी नहीं है. During that time of arrest, they will attack that person, grab hold of that person, they will beat that person down. और उस समय जब गिरफ्तारी होती तो उसमें वे उस व्यक्ति पर हमला बोलते हैं, उसे पकड़ते हैं, उसे मारते पीटते हैं. And they bound Lord Shri Jesus. और यीशु मसीह को उन्होंने शायद बांधा भी होगा. And they had clubs and they had swords and there was a big crowd.
और उनके पास भाले थे, तलवारें थीं और बड़ी भीड़ थी। And the disciples were very frightened, and all of them fled. और शिष्य बहुत ज़्यादा डर गए और वे सब भाग गए। And then they started taking Lord Shri Jesus Christ, pushing him, hitting him, beating him on the way, started taking him away from that Gethsemane garden. और वे प्रभु मसीह को मारते पीटते हुए अपने साथ में उस गेथसेमनी के बगीचे में से ले गए। Now John, one of the disciples of Lord Shri Jesus Christ, was known to the high priest family. और यहाँ जो प्रभु मसीह का एक शिष्य था, वो से महापुरोहित के परिवार से जान पहचान। He recognized some of the servants. I know them. They are belonging to that high priest. और उन्होंने उन कुछ सेवकों को जो सिपाही जो आए थे उन्हें पहचान लिया कि इन्हें वहाँ महापुरोहित के वहाँ देखा है। So John understood that where they are going to take Jesus. और यहाँ ना को समझ में आ गया कि प्रभु मसीह को वे लोग कहाँ ले जा रहे हैं। So he runs ahead of the crowd and reaches there first. और उस भीड़ से पहले वो दौड़ के पहुँच जाता है और वहाँ पहले पहुँचता है। After the disciples have gone away, Peter is still trying to follow where they are going to take my guru. और सारे शिष्य भाग गए हैं, किंतु पतरस अभी भी पीछे जाकर देखने की कोशिश कर रहा है कि गुरु को कहाँ ले जाया जा रहा है। He is keeping a safe distance that nobody sees that he is following. वह दूरी बना हुए है ताकि कोई उसे देख न ले। By this time, Mark was sleeping in his house. और इस समय मरकुस अपने घर में सो रहा है। His parents must have not allowed him to come out. और शायद उसके माता पिता ने अनुमति नहीं दी होगी बाहर आने की। And he was just wearing a bed sheet and sleeping. और शायद केवल एक चादर ओढ़ के सो रहा है। And his curious mind was saying that what are they going to do? This crowd had come to my house. और उसके मन में उत्सुकता हो रही है कि ये जो भीड़ आई है, ये प्रभु मसीह को क्या करने जा रही है। So it seems that without turning the lights on, he quietly slips out of the house with only that bedsheet on his. और शायद वो बत्तियां जला बिना धीरे से चुपके से घर से निकल जाता है उस चादर को ओढ़े हुए। By the time he reaches there, they have already arrested Lord Jesus Christ, and that crowd is taking Lord Shri Jesus Christ away. और जब वहाँ पहुँचता है तो प्रभु मसीह गिरफ्तार हो चुके हैं और वे प्रभु मसीह को ले जा रहे हैं। So Mark also started to follow this crowd. और मरकुस भी इस भीड़ का पीछा करने की कोशिश करता है। And one of the people in the crowd sees that somebody is following, so they try to grab hold of that person, and he leaves his bedsheet and runs away. और वहाँ पर एक सिपाही उसे देखता है और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वह चादर छोड़ के भाग जाता है। The story is given only in Mark, and some scholars think that it could be Mark himself. और वह कहानी केवल मरकुस की पुस्तक में लिखी हुई है, इसलिए कई लोग कई विद्वान सोचते हैं कि ये मार्क ही होगा। And then Lord Shri Jesus Christ is taken to the father-in-law of the high priest Caiaphas. His name is Annas. So they take him to the father-in-law Annas. और प्रभु मसीह को महायाजक के ससुर के यहाँ ले जाया जाता है, जिसका नाम अनास था। And John is already there. यूहन्ना पहले से वहाँ है। And they take Lord Shri Jesus Christ there, and behind him slowly Peter also comes. और वे प्रभु मसीह को वहाँ ले जाते हैं और धीरे से पतरस भी वहाँ आ जाता है। But Peter cannot come into the courtyard. किंतु पतरस अंदर नहीं आ सकता। It seems like it was a big bungalow. और ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा बंगला हो। And there was a campus around it. और उसके चारों तरफ शायद जगह होगी। And there was a big building where the father-in-law stayed, and the big building where the son-in-law, the high priest, stayed. और ऐसा लगता है कि एक बड़ी बिल्डिंग होगी जिसमें ससुर रह रहे थे और दूसरी बिल्डिंग जहाँ पर महायाजक रह रहे थे। And in the middle there is a courtyard. और बीच में शायद ये जगह होगी जहाँ पर प्रभु मसीह को ले जाया जाए। Peter wants to come into the courtyard, but he cannot come in. और पतरस अंदर आने की कोशिश करता है, किंतु आ नहीं पा रहा है। There is a servant lady there at the door, and she is not allowing any strangers to come in that courtyard. और वहाँ पर एक नौकरानी है जो वहाँ पर खड़ी हुई है और किसी को अंदर आने नहीं दे रही है। Suddenly he sees that John is inside that courtyard. और वह देखता है कि यूहन्ना पहले ही अंदर है। And he tries to make eye contact.